So today we come to Banjara Market. It's my first time and we're going to do a shopping challenge. It's going to be a 5,000 rupee shopping challenge. हाँ, हाथ में सिर्फ 1000 रुपए, because the rest is going to have to be Google Pay. It's one of my last stops in Delhi. I've run out of cash, but I want to see what things I can find here जो मुझे मुंबई में नहीं मिलती. And let's see how well we do in the challenge. It goes round and round. But I'm still on the ground. It's a dizzying day. I would give a lot to get away. It's getting real dark in here. Feels like I've been here a thousand. When I was younger, like when I was a baby, home decor shopping I used to hate. I used to find it the most boring and I used to always ask mummy कि क्या रखा है उस vase में? Where are you gonna keep it? Is it even pretty? It made no sense to me. But now I am 24 currently. I love it the most. कई बार मुझे ना फैशन से भी ज़्यादा इसमें मज़ा आ जाता है. एंड बंजारा मार्केट के वीडियोस देख देख के आई वुड ऑलवेज फील फोमो कि मुंबई में क्यों नहीं है ऐसी मार्केट. बहुत रेयरली ऐसे हुनर हाट या ऐसे छोटे मोटे एग्जीबिशंस लगते हैं मुंबई, बट द कलेक्शन दैट आई सी एट बंजारा इन अदर पीपल्स वीडियोज़, कभी ऐसी चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं देखी है. सो फाइनली व्हेन वी वेंट टू दिल्ली आई हैड टू गो टू बंजारा मार्केट एंड दीज आर ऑल द थिंग्स आई कुड मैनेज टू गेट, बिकॉज हम 3 लोग थे, मैं, मम्मा एंड देशना हु इज़ माई मैनेजर, एंड हम 3 लोगों के बीच में 100 किलो से ज़्यादा वजन था. एंड वी आर कमिंग एंड गोइंग बाई फ्लाइट, सो पर पर्सन ओनली हाउ मच वाज अराउंड 15 kg. हमें कुरियर करना था बाकी का सामान एंड आई वॉज वरीड कि टूट जाएगा. सो आई कुड ओनली गेट लिटिल थिंग्स in the 5,000 rupees Banjara shopping challenge. So ready to see what we could get? Let's begin. So बंजारा मार्केट से ये पर्टिकुलर आइटम सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है. Everybody who goes to Banjara market always comes back with at least one of these. Can you guess? Okay, it is दिस डोनट वेज. यार मोस्टली हर डेली यूट्यूबर के पास मैंने ये सुंदर डोनट वेजेस देखे हैं एंड आई फाइंड दैम वेरी प्रिटी, वेरी एस्थेटिक. दिस टाइम अराउंड मुझे अलग अलग कलर्स भी दिखे इसमें. सो दिस इज़ अ वेरी प्रिटी पेस्टल पिंक एंड आई फील लाइक कि ऐसे छोटे से कॉन्ट्रास्टिंग फ्लावर इसमें बहुत सुंदर लग रहे हैं. सो दिस इज़ वॉट आई वेंट फॉर विथ दिस वन. The other color I saw was a pastel green color and it's so beautiful. The only thing you have to remember is कि इसमें ना एकदम tall flower आप नहीं डाल सकते हो, तो हमने इस flower को ऐसे cut कर दिया so that it actually fits into it properly. And the third color has to be white. Like a white donut vase is a must. हमें ये तीनों vases मिला के I think 300 में पड़े. So 100 rupees for one vase is what we paid for. यार rates they were quoting, पता है एक एक vase का 250, 300 they were quoting and I'm like यार Banjara market is known for affordable aesthetic home decor, so I was giving my rates and then I was getting all on the correct prices later on. But then the plateware, the dinnerware. अगर मैं दिल्ली में रहती होती ना, अपना my whole kitchen would be from Banjara market. So some of the things that I found were these tiny ramekin bowls. I got 4 different colors. First है ये white वाला. Imagine a cupcake in this. Second, I found this red one. Then I found this yellow and green ones. तो वाइट, येलो एंड सी ग्रीन ना सेम शॉप से है. 400 रुपीज़ फॉर 3. एंड देन मैं आगे जाके कहीं और गई थी ना, द आंटी वॉज रिक्वेस्टिंग कि बस बोनी करा दो, कुछ भी ले लो तो ओके. सो आई आस्क्ड हाउ मच दिस वॉज फॉर, शी सेड 20 रुपीज़ एंड आई लेट्स जस्ट गिव इट. इफ समथिंग इज फॉर द राइट रेट फिर आगे बार्गेन क्यों करने का. तो आई गॉट दिस लिटिल वन फ्रॉम हर. फिर मैंने ना पूरा सेट बनाया था जिसकी प्लेट टूट गई आते आते. यार द सेट वॉज ऑफ दिस super cute blue and white plates. So this is the quarter plate. I just love this design a lot. I've seen yellow and dark blue color in it पहले, ये मैंने first time देखा. और ये पास्ता प्लेट, मुझे सब चीज़ पास्ता प्लेट में खाना बहुत अच्छा लगता है. इंस्टेंटली ऐसा लगता है कि मैं कोई बहुत ही बूजी या फैंसी रेस्टोरेंट में हूँ. एंड इट्स जस्ट आई लाइक हाउ द शेप इज़, लाइक हाउ इट्स डीप फ्रॉम द सेंटर, हाउ इट इज़ लाइक अ decor at the edge of the plate. So I love pasta plates a lot. And इसकी ना बड़ी वाली प्लेट जो थी 5 टुकड़े हो क्या है उसके, तो फेंकनी पड़ी. द मैचिंग बोल फॉर दिस एंड द सूप स्पून विच इज़ नॉट 100% मैचिंग इट, बट सिंस द कलर्स आर सेम वी कैन गेट अवे विद इट. फिर कैप थिंग्स इवन एग्जिस्ट. तो आई एम स्टिल नॉट श्योर कि मैं इसमें क्या डालूँ बिकॉज ये एयर टाइट तो है नहीं. सो यू टेल मी ना इन द कॉमेंट्स कि क्या क्या डाल सकता है इसमें. बट दिस इज सो क्यूट. इट वॉज अ सेट ऑफ 3. पिंक था, ये लाइट ग्रीन था और रेड था. सो दीज टू लुक लिटिल रियलिस्टिक ना. ग्रीन कैप्सिकम एंड रेड बेल पेपर. पिंक वाला थोड़ा सा पता चल रहा था कि यू नो इट्स लाइक फॉर अ होम डेकोर एस्थेटिक. बट शी वॉज कोटिंग अ लॉट. आई थिंक 1200 या कुछ शी वॉज सेम फॉर 3 विच इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस. तो हम चले गए आगे एंड देन वी थॉट कि जाते जाते ले लेंगे. तो व्हेन वी वेंट बैक पिंक वाला वो सोल्ड आउट. तो देन आई थिंक वी गॉट दीज 2 फॉर 400 और 300 समथिंग लाइक दैट. वेरी वेरी क्यूट. एंड ऐसे अगर मैं कुछ नहीं भर के भी किचन में रखूँगी ना तो भी बहुत प्यारे लगेंगे. फिर वेजेस में मुझे और 2 वेजेस मिले. एक है ये ट्रायंगुलर वेज. इसका शेप मुझे बहुत अच्छा लगा, यूनिक लगा. एंड जब ऐसे शार्प ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं ना ऑन एनी शेल्फ दे एड अ लॉट ऑफ लाइक इट लुक्स पुट टुगेदर. इट लुक्स मोर स्मार्ट एंड शीक. सो दैट्स व्हाट आई गॉट दिस फॉर. दिस वॉज अराउंड 150 रुपीज़. एंड अनदर क्यूट वन इज दिस चुटकू सा पम्पकिन. मस्त लगा मेरे को ये भी. मोर अप्रोप्रिएट अराउंड हैलोवीन टाइम बट अदरवाइज ऑल्सो बिकॉज इसका कलर न्यूट्रल है ना ये ऑल ईयर राउंड भी अच्छा लगेगा. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. मोस्ट ऑफ दिस फ्लावर्स ना मैंने IKEA से लिए. आपको सिंगल फ्लावर्स भी अराउंड 150-200 में मिल जाता है IKEA पे. सो दैट्स व्हाई यू कैन हेड टू फॉर फ्लावर्स. फ्लावर्स आई थिंक थे पर मेरे को टाइम भी नहीं मिला यार इतना घूमने का. फिर ट्रेज बहुत सुंदर थी. एंड ये ट्रे मुझे मिली फॉर ज्वेलरी. लुक you know you will be able to see the camera. That's how we shoot. That's my cute little setup. But so this tray I found initially the bhaiya was saying 1200 rupees. तो हम वहाँ से आगे चले गए and then at another place they just said 500 rupees. तो I think finally हमें 400 की मिली which is a freaking steal for this right. क्योंकि इसका मिरर की क्वालिटी क्लैरिटी बहुत अच्छी है. एंड द बॉर्डर ऑल्सो ऑफ दिस द गोल्ड फिनिशिंग इज गुड. किधर से भी रस्टेड नहीं है. व्हेन आई एम ट्राइंग टू शूट अ मेकअप लुक तो मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ. एंड ज्वेलरी भी इसमें पड़ी होती है तो बहुत एस्थेटिक लगती है. सो इफ यू गो टू बंजारा मार्केट डेफिनेटली लुक फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेज. एंड अनदर ट्रे दैट आई फाउंड इज दिस गोल्डन ट्रे. ये थी अराउंड 150 या 200 रुपीज़ की. बहुत सुंदर है, बहुत स्टर्डी है. इवन इफ यू कीप लाइक लिटिल ड्राई फ्रूट बोल्स इन दिस इट कैन बिकम लाइक अ होम डेकोर पीस. एंड अगेन एनीथिंग. ट्रेज ना बहुत वर्सेटाइल होती है ना. आप उसमें कुछ भी रख सकते हो जैसे ज्वेलरी हो गई. इवन फॉर लाइक कीपिंग स्टेशनरी यू कैन माइट एज वेल डू दैट. एंड इन अदर सैड न्यूज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स broke on the way here. Let me show you and then tell me if you can see कहाँ से टूटा है. ठीक है 1, 2, 3. It's a set of 2 big ramekin bowls and a beautiful rectangular tray or plate. And ये पूरा सेट सिर्फ 200 रुपीज़ का था पता है. So I bought 2 colors in it. Can you guess which the other color is? But bowls pristine condition में आए हैं लेकिन plate के 4-5 टुकड़े हो गए हैं. So can you see all the places from where I stuck it? थोड़ा सा ना मैंने nail polish भी लगा के इस cover up करने की try की. But I majorly stuck it so that I can show you कि this is what I was trying to buy. बहुत cute है ना. ये same bowl I saw in the mall for 200 rupees, 199. And यहाँ पे 200 rupees में इस पूरा set आ गया. दिस इज़ द अदर कलर आई बॉट बेबी पिंक कलर. ये भी मैंने वैसे तो स्टिक किया है लेकिन इसके 2-3 पीसेस मिसिंग है. द जिक्सॉ पजल विल रिमेन इनकम्प्लीट. आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट बोल्स तो अच्छे कंडीशन में आए. सो दैट इज समथिंग दैट आई कैन डेफिनेटली यूज़. लेकिन ये छेद दिख रहा है, ये पीस घूम गया पीछे से तो इसकी हालत और ख़राब है. सो लेट्स नॉट गो देयर. बस नियरिंग द टेल एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द मार्केट आई हैड सीन दिस वंडरफुल हट. पता है मार्केट में आई थिंक दे वर द होम्स ऑफ द पीपल हु आर सेलिंग दीज ब्यूटीफुल थिंग्स. क्योंकि दे वर पीपल स्लीपिंग, प्रॉपर बेड्स थे तो घरों के बाहर लगाया था ऐसा लग रहा है. कैन यू कन्फर्म इफ दिस इज़ ट्रू कि ऐसा ही है कि नहीं? तो द वेरी फर्स्ट प्लेस वी वेंट टू वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर रग्स थे. एंड फॉर दिस आई वाज कोटेड 750 एंड दे अग्रीड इन 300. पर मुझे और भी चीज़ें लेनी थी वहाँ से जिसकी प्राइस बैठी नहीं. तो हम एक बार के लिए चले गए. तो एंड ऑफ द शॉपिंग फ्री वी बॉट दिस रग फॉर 300 रुपीज़. इट्स सो प्रिटी. पिंक एंड वाइट डायमंड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है पूरे पे. इट्स अ निट रग. थोड़ा पतला सा यार्न यूज है लेकिन फॉर 300 इट्स टू गुड. इसकी एंड पे भी वैसे टैसल डिटेल्स है, बहुत प्रिटी है। वी हैव ऑलरेडी वॉश्ड इट, इट्स सस्टेन्ड द वॉश एंड इट्स वेरी सॉफ्ट। लाइक ट्रैवल पे लेके जाने में आई वोंट हेजिटेट। आई एम गोना गो ऑन अ ट्रिप सून, तो फॉर द ट्रेन ट्रैवल आई एम गोना कैरी दिस विद मी एंड आई वांटेड टू शो यू द कंपैरिजन। ये मैंने आईकेआ से लिया है, डेफिनेटली इसकी क्वालिटी में डिफरेंस पता चल रहा है। इट्स स्ट्रेची, द यार्न इज मच थिकर, इट्स गुड क्वालिटी, बट दिस वाज फॉर 2300 एंड दिस वाज फॉर 300, सो फॉर द प्राइस डिफरेंस दिस वन विन्स, राइट। एंड द लास्ट थिंग आई बॉट फ्रॉम Banjara Market, this beautiful mirror. Now I know what you're thinking, where is the mirror? It broke on the way here. I lost 4 of my soldiers. This mirror, 2 of those rectangular plates and that one big plate. इसका मैं mirror यहाँ से बनवाने का सोच रही हूँ। मुझे ना एक बड़ा सा मिरर वैसे भी बनवाना है, लाइक अ वेवी डिज़ाइन, जिसमें आई कैन क्लिक माई आउटफिट वीडियोज़ बाय माई सेल्फ। तो उसके साथ ही मैं ये लेके जाऊँगी एंड यही मेजरमेंट का मिरर बनवा के लाऊँगी एंड इसमें डाल दूँगी। दिस वॉज बीइंग कोटेड एट 1200 बट वी गॉट इट फॉर 500 रुपीज़ विद द मिरर। एंड इसके नीचे की टैसल्स देखो, दीज आर ह्यूज, लाइक दिस इज माई हैंड, दीज टैसल्स आर बिगर दैन माई हैंड। तो बहुत सुंदर है। आगे जाके इसमें पिंक कलर भी था, तो प्लीज़ डोंट बाय थिंग्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्लेस। इसी बट द पिंक one was much more expensive. She was quoting 2500, तो I'm sure वो 500 में तो नहीं देते। तो पूरा एक्सप्लोर करना, यू विल नीड मोर देन 2 hours टू एक्सप्लोर द मार्केट फुल्ली। देर आर 2 सेक्टर्स, सेक्टर 56 एंड सेक्टर 61, एंड हम आई थिंक 56 वाले में गए थे, 56 या 58, वन ऑफ द टू। तो दोनों मार्केट्स अलग है। आपको एक ही सेक्टर के लिए 2 घंटे से ज़्यादा लगेंगे एंड एक्सप्लोर करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हु इज़ कोटिंग द करेक्ट रेट एंड हु इज़ ओवर चार्जिंग जस्ट बिकॉज यू लुक लाइक अ टूरिस्ट। लेकिन दिस was all my Banjara loot. Like just see the colors, it's a pastel lover's dream come true. So if you ever go to Delhi, try to go to Banjara Market if it's possible for you to courier. मैंने courier कराया था, इससे पता है मेरे कपड़ों में लपेट थी, bubble wrap नहीं था किधर। तो अगर और bubble wrap मिल जाता तो शायद मेरा सामान ठीक ठाक पहुँच जाता। I paid around 2000 rupees for couriering से 35 kgs, which is not bad at all. ये सारा सामान मिला के तो 10 kgs के अंदर ही होगा। So even if you courier, you're gonna save up on a lot of money. Just have time in your hand and bubble wrap everything nicely, तो you'll be good to go. अगर आप कभी दिल्ली जाओ तो गुड़गांव में है Banjara Market, please do visit it and comment down below and tell me which was your favorite item from this. लेकिन I really hope you enjoyed this entire Delhi series. I went specially for so many days to make these videos for you. And अगर आपको मज़ा आया, बस मेरा like टाइम, एनर्जी, पैसा सब वसूल हो गया। So if you enjoyed watching this video, then do give it a thumbs up and subscribe to our channel for future videos. If you did not enjoy watching this video, bindas give it a thumbs down. I will see you in a brand new video very, very soon. Until then, goodbye.